नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष बुधवार दसवीं तिथि दिन में 11 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात एकादशी तिथि लग जाएगी। मघा नक्षत्र दिन में 3 बजे तक लगा रहेगा, तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। मघा नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, धनी, स्पष्टवादी, साहसी और हिम्मती होते हैं। ऐसे जातक माता पिता के भक्त, पूरी सुख सुविधाओं से युक्त, अपने कार्यों में तत्पर, उच्च अभिलाषी और उच्च स्तर की आजीविका प्राप्त करने वाले होते हैं। यह तुरंत क्रोधित हो जाने वाले, भावुक और हर काम में हड़बड़ी करने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन की कार्य अवधि में पहले केतु के नक्षत्र का फल देंगे, उसके बाद शुक्र के नक्षत्र का फल मिलेगा। इसलिए आज का दैनिक जीवन का फल केतु और शुक्र से संबंधित कारकों के रूप में परिलक्षित होगा। मेष राशि वाले जातकों के मन में चल रहे अंतर्द्वंद और मानसिक उथल पुथल से राहत मिलेगी। चंद्रमा पांचवें घर में चल रहे हैं। आपके संघर्ष और आत्मविश्वास से रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और नई कार्य योजनाओं का विस्तार होगा। साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। खुशहाली और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी। अच्छे कामों में पूंजी निवेश और बच्चों के भविष्य पर खर्च की संभावना बनती है। कुछ मामलों में आलस्य या अवरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। विद्यार्थी ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने सामान के प्रति आज सावधान रहें। चंद्रमा आज वृष राशि से चौथे भाव में चल रहे हैं। पूरे दिन में दो चरणों में दो तरह की मानसिकता का विकास होगा। आपकी सक्रियता और कार्य क्षमता व्यावसायिक उद्देश्य के साथ ही घर गृहस्थी के भी रचनात्मक कार्यों के प्रति केंद्रित होगी। थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बौद्धिक क्षमता और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति आपके हर काम को आसान और सुविधाजनक रूप से बदल देंगे। नई कार्य योजना का प्रस्ताव मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। मांगलिक कार्यक्रम के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। व्यावसायिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आपके प्रयास और आत्मविश्वास से आर्थिक निवेश की कई लाभकारी योजनाएं सामने आएंगी। पारिवारिक प्रेरणा और पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का शाम अनुकूल है। कर्क राशि के जातक मानसिक रूप से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे। आर्थिक लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी और सम्मानित किए जाएंगे। आपका ऊर्जा स्तर नई कार्य योजनाओं के लिए सक्षम होगा। संतान व आर्थिक पक्ष अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। शत्रु पक्ष हावी रहेगा मगर पारिवारिक सुख संतुष्टि महसूस करेंगे। सिंह राशि के जातक मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और सौंदर्य प्रधान मानसिकता बनी रहेगी मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी होंगी। खास तौर से पेट संबंधी मामलों में दिक्कत हो सकती है। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी और नए लक्ष्य निर्धारित होंगे। संबंधित मामलों में अचानक यात्रा का योग संभावित है। आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है। परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास अधिक करना होगा। कन्या राशि के राशि स्वामी बुध नीच राशि में चल रहे हैं और चंद्रमा 12वें भाव में। अति आत्मविश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर्क करने की प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी मगर व्यावसायिक मामलों में सुधार का दौर जारी रहेगा। भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। सकारात्मक प्रयास को और गति देने की आवश्यकता होगी। मित्रों व सहयोगियों से अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धर्म कर्म और मित्रों पर खर्च की स्थिति संभावित है।
संतान संबंधी चिंता अभी बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार मिलता जाएगा, मगर मन का अंतर्द्वंद आपके कार्य क्षेत्र और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता रहेगा। दोपहर बाद कुछ राहत मिलेगी, हालांकि अच्छे काम में वित्तीय निवेश के लिए सहयोग मिलता जाएगा, मगर व्यावसायिक अनियमितताएं संभावित हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप सरकारी विभाग में हैं तो भी आर्थिक लेन देन व सरकारी कागजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निपटारा करना चाहिए। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में आज का दिन सफलतादायक सिद्ध हो सकता है, प्रयास जारी रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन का अंतर्द्वंद कम होगा और मानसिक शांति मिलेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र के विकास और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी, जिसमें ससुराल पक्ष और संबंधियों का सहयोग मिलता रहेगा। नवीन कार्य योजनाओं और साझेदारी के लिए समय अनुकूल है। अपनी क्रियाशीलता को हर हाल में बरकरार रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। आय से अधिक व्यय की स्थिति संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का शाम अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों की आराम पसंद मानसिकता और यात्रा देशाटन की प्रवृत्ति बनी रहेगी। यदि धैर्य, आत्मविश्वास और सक्रियता बनी रही तो कार्य योजनाओं में सफल रहेंगे और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। साझेदारी लाभदायक रहेगी। विवादों के निपटाने का योग बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी मन लगा रहेगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। मकर राशि के जातकों की सक्रियता बनी रहेगी और कार्य योजनाओं में सफलता हासिल होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। लोकप्रियता बढ़ेगी और प्रशंसा के पात्र बनेंगे। शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। उन्नति का दौर जारी है। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा संभावित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज दिन की शुरुआत मिले जुले मानसिक प्रभाव से होगी, मगर दोपहर बाद कार्य ऊर्जा और रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं में कुछ नवीन विषयों पर प्रयास करेंगे जो कि आर्थिक पक्ष के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ संभव है। साझेदारी सफल रहेगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के दिनचर्या में आलस्य और अकर्मण्यता संभावित है। चंद्रमा के छठवें और केतु व शुक्र के नक्षत्र में होने से मानसिक व्यग्रता, नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कार्य क्षेत्र को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आत्मविश्वास और सक्रियता कम होने से रचनात्मक कार्यों में बाधा संभावित है। हालांकि व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष आपके मेहनत और धैर्य के अनुरूप बना रहेगा। विभागीय अधिकारियों से सहयोग व लाभ मिल सकता है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।